नमस्कार दोस्तों, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोगों को भी फायदा होगा और इसमें कुछ नए रोजगार भी बनेंगे। दोस्तों, हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय को किसी धर्म से ना जोड़ा जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, गोरक्षा का मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। देख सकते हैं आप अमर उजाला का ये न्यूज़पेपर और इसमें जो है साफ साफ छपा था। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हाई कोर्ट ने एक चीज़ और भी फैसले में सुनाया है कि 29 से 24 राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। तो दोस्तों, और इसमें जो है और भी चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है कि मुस्लिम शासकों ने भी लगाया था प्रतिबंध। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत बड़ी जो है प्रयागराज इलाहाबाद से खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गोरक्षा को किसी धर्म से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, साथ ही गोरक्षा के मौलिक अधिकारों बनने चाहिए। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने गोहत्या के मामले में जावेद नामक शख्स की जमानत खारिज कर दिया और उसके बाद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। हम जानते हैं कि जब संस्कृति और विश्वास को ठेस पहुंची है तो देश कमज़ोर हो जाता है। और दोस्तों, गाय को हो सकता है कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए और इसके जो है देख रेख में भी कुछ वैकेंसियां निकल सकती हैं भविष्य में। देखिए क्या होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही कि हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय को जो है एक राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। यही मेन खबर थी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।